हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने SAS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? तो उसी कड़ी में दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल्स 1952 के बारे में बताया था, राइट? और दोस्तों, इसका पार्ट वन अपनों ने डिस्कस किया था, ये सुनो। और दोस्तों, पार्ट वन के अंदर मैंने सेक्शन नंबर 8 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के बारे में आपको पढ़ाया। तो आज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो सेक्शन नंबर 8 है वो कंप्लीट, और दोस्तों बाकी का पूरा एक्ट अपने कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ MCQ डिस्कस करेंगे, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में अमेंडमेंट्स जो हुए हैं इस एक्ट के अंदर, छोटे मोटे अमेंडमेंट है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, सेक्शन नंबर 3 में है, 5 के अंदर थोड़ी बात है, 7 के अंदर थोड़ी बात है, और 8 के अंदर एक दो लाइन हटाई गई है, ठीक है? तो मतलब एक एक दो दो लाइनें जो है हटाई गई है, राइट? और दोस्तों, जैसे कि RTA एक्ट के अंदर अपनों ने पढ़ा कि जो वेतन भत्ते जो होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, राइट, तो वो सारे जो है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके बराबर होते थे, लेकिन दोस्तों अमेंडमेंट के बाद 2019 में क्या किया गया कि वो सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिए गए, ठीक है? तो वो छोटा सा अमेंडमेंट था RTA एक्ट में। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये छोटा सा एक्ट है और उसके अंदर भी बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, राइट? ये सुनो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको 8 नंबर का सब सेक्शन 1 और 2 जो है वापस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। 8 का एक देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट दोस्तों बजट के कौन से आर्टिकल में है? 115 नंबर में, राइट? सही बात है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट फॉर ओवर एक्सपेंडिचर, सभी खर्चों के लिए, सो फाइनेंस्ड, जो भी फाइनेंस हुआ है या होगा, शैल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एट द फर्स्ट सेशन मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर द एडवांस इज सैंक्शनड, अनलेस सच एडवांस हैज़ बीन रिज्यूम्ड टू द कंटिजेंसी फंड, राइट? अब दोस्तों, ये लाइन हटा दी गई है, ठीक है? अमेंडमेंट के अंदर ये लाइन हटा दी, आफ्टर द एडवांस इज सैंक्शन, ठीक है? और पार्लियामेंट एट द फर्स्ट सेशन, ये भी हटा दिया, एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? फिर भी दोस्तों, अमेंडमेंट अपने वापस पढ़ेंगे जब पूरा आपको बताऊंगा मैं, तो एक बार देख लीजिए। अनलेस सच एडवांस हैज़ बीन रिज्यूम टू द कंटिजेंसी फंड, तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोल रहा है कि एडवांस सेंक्शन हो गया कंटिजेंसी फंड से, तो उसके तुरंत बाद में सप्लीमेंट्री एस्टीमेंट पार्लियामेंट, ये हटा दो, पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ठीक है? फर्स्ट सेशन हटा दो इसको, राइट? एडवांस सेंक्शन हो गया कंटिजेंसी फंड से, उसके तुरंत बाद में सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, राइट? दोस्तों, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि मान लो पहले किसी मद पे 10,000 रुपये खर्च हो रहे थे, ठीक है? तो बाद में मुझे और ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो मैं क्या उसकी सप्लीमेंट्री क्या जो है ग्रांट प्लेस करूँगा, सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? कई बार होता है दोस्तों कि मान लो कोई भी स्कीम चल रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान विकास योजना, जो भी है XYZ जो भी स्कीम चल रही है, उसके अंदर दोस्तों जो फंड अलॉट हुआ था वो क्या है, कम है, ठीक है? और हमें उसकी अर्जेंट नीड है, राइट? तो हम दोस्तों उस फंड को क्या करते हैं, उसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से क्या है, ड्रॉ करवा लेती है कई बार गवर्नमेंट, राइट? ये सुनो, तो इसके अंदर ये बोला हुआ है दोस्तों कि मान लो एडवांस सेंक्शन हो गया कंटिजेंसी फंड से, ठीक है? एडवांस सेंक्शन हो गया कंटिजेंसी फंड से, तो उसके तुरंत बाद आप सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश कर दो, राइट? ये सुनो, सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश कर दो, और दोस्तों जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट पास नहीं होती, पैसा जो है शैल बी रिज्यूम्ड टू द कंटिजेंसी फंड। रिज्यूम मतलब वहीं से आप स्टार्ट रखो पैसे को, राइट? ये सुनो, समझ में आई इतनी बात कि भैया अगर हमें एडवांस सेंक्शन हो गया कंटिजेंसी फंड से, तो उसके तुरंत बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट प्लेस करो, सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट बनाओ, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाओ, राइट? और दोस्तों जब तक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पास नहीं हो जाता, सारी जो पैसा है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, राइट? ये सुनो, आगे चलिए। अब दोस्तों, एक नंबर में क्या बोला था कि भाई सप्लीमेंट्री जो है ग्रांट प्लेस करनी है अगर एडवांस सेंक्शन हो गया उसके बाद, ठीक है? और जब तक वो नहीं होता, आप कंटिजेंसी फंड से पैसा लेते रहे, राइट? अब दोस्तों, दूसरे के अंदर उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। देखिए, एज सून एज पार्लियामेंट हैज ऑथोराइज्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर बाय मींस ऑफ अप्रोप्रिएशन एक्ट, क्या बोल रहा है दोस्तों, उनको पता लगा कि हाँ भैया पैसे की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, ऑथोराइज कर देगी सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट, द एडवांसेज मेड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, जो पैसा हमने कंटिजेंसी फंड से लिया था, वेदर फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट वर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट और आफ्टर दे वर सो प्रेजेंटेड, क्या बोल रहा है दोस्तों, जो पैसा उन्होंने एडवांस जो लिया था कंटिजेंसी से, वो चाहे सप्लीमेंट्री ग्रांट प्लेस करने के पहले लिया हो या सप्लीमेंट्री ग्रांट प्लेस करने के बाद लिया हो, राइट, शैल बी रिज्यूम टू द फंड टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन मेड इन एक्ट, क्या बोल रहा है दोस्तों कि वो जो है पैसा सप्लीमेंट्री एक्ट बनने के बाद जो पैसा है हम मेड इन द एक्ट, मतलब उसको रिज्यूम करेंगे कंटिजेंसी फंड से ना करके सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट से, राइट? दोस्तों हिंदी में देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री ग्रांट सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाने के बाद, तो जो एडवांस कंटिजेंसी फंड से लिया था उसे रोक दो, ठीक है? इसका मतलब ये है
ठीक है, वो भले ही एडवांस सप्लीमेंट्री ग्रांट पे प्लेस करने के पहले लिया हो या बाद में लिया हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको पैसा जो है दोस्तों रिज्यूम करना है अप्रोप्रिएशन से, रिज्यूम कर दो उस पैसे को अप्रोप्रिएशन से, सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट से। राइट, समझ में आई इतनी बातें? दो कॉन्सेप्ट हो गए, पहला एडवांस सेंक्शन करवा लिया, उसके तुरंत बाद सप्लीमेंट्री पेश करो। जब तक सप्लीमेंट्री पास नहीं होती वहाँ से पैसा लेते रहो कंटिजेंसी फंड से। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही पास हो जाएगा सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट, तो कंटिजेंसी से आप पैसा को रोक के सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट से लेते रहो। ठीक है, दोनों दोस्तों एक दूसरे के वैसा वर्षा चीज़ है। राइट, पहली बार बोल रहे कंटिजेंसी फंड से लो, इसमें बोल रहे दोस्तों सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट से लो अगर वो पास हो गया तो। राइट, येस और नो, आगे चलिए। तो देखिए दोस्तों क्या है अगला, 8 नंबर का दोस्तों ए बी सेक्शन है। ठीक है, इफ़ एडवांस सेंक्शन रिमेन अनयूटिलाइज्ड होली और पार्टली, दोस्तों जो भी एडवांस सेंक्शन हुआ है, ठीक है, मान लो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने को मैं क्या बोलता हूँ, एडवांस का सेंक्शन होना। ठीक है, एडवांस सेंक्शन। राइट, तो दोस्तों जो भी एडवांस सेंक्शन हुआ है वो दोस्तों क्या है, अनयूटिलाइज्ड है, वो अनयूटिलाइज्ड है पूरा या उसका कुछ हिस्सा। राइट, ये सुनो, जो एडवांस सेंक्शन हुआ है दोस्तों वो जो है अनयूटिलाइज्ड है या तो पूरा या उसका आधा हिस्सा। राइट, ये सुनो, एन एप्लीकेशन, अगर उस केस में एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर कैंसिलिंग और मॉडिफाइंग द सेंक्शन, तो दोस्तों एक एप्लीकेशन जो है सेंक्शनिंग अथॉरिटी को लिखेंगे जिसने वो सेंक्शन किया है, या तो वो कैंसिल कर दे या उसको मॉडिफाई कर दे सेंक्शन को। राइट, अगर एडवांस जो पैसा लिया है वो अनयूटिलाइज्ड है या तो पूरा या उसका कुछ हिस्सा, तो एक एप्लीकेशन लिख देंगे सेंक्शनिंग अथॉरिटी को कि उसको कैंसिल कर दो या उसको मॉडिफाई कर दो। दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक, 8 का A जो है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि अगर अनयूटिलाइज हो गया पैसा तो होली या उसका कुछ हिस्सा तो क्या किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सेंक्शनिंग अथॉरिटी क्या करेगी, कैंसिल करेगी या उसको मॉडिफाई करेगी। राइट, 8 के B में चलिए दोस्तों, ऑल एडवांसेज सेंक्शन, जितना भी पैसा जितना भी एडवांस जो है वो सेंक्शन हुआ है फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड से। राइट, टू मीट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द प्रोविजन फॉर द सर्विस इंक्लूडेड इन द अप्रोप्रिएशन एक्ट, दोस्तों ये अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है ये बजट वाले अप्रोप्रिएशन एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बजट हम पढ़ते हैं 112 अंडर आर्टिकल के अंदर, राइट, उसके अंदर जो बजट पेश होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर जो डिमांड फॉर ग्रांट जाती है मिनिस्ट्रीज की, उसका जो दोस्तों अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि मतलब अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर जितना पैसा था उससे क्या है ज़्यादा लागत आ रही है किसी भी मद पे। राइट, तो क्या है एक्सेस ऑफ द प्रोविजन फॉर द सर्विस इंक्लूडेड इन, मतलब उस पे जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, ऑल एडवांसेज सेंक्शन फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, जितना भी पैसा कंटिजेंसी फंड से निकला है, ठीक है, टू मीट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द प्रोविजन फॉर द सर्विसेज इंक्लूडेड इन द अप्रोप्रिएशन एक्ट, मतलब किसके लिए निकाला है वो, कि भाई जो अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर जितना पैसा अलॉट हुआ था उससे ज़्यादा पैसा जो है उन पे लग रहा है। ठीक है, तो एडवांस सेंक्शन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और दोस्तों सेक्शन नंबर 6 जो है उसके अंदर भी बताया था अपने कि एडवांस जो है सेंक्शन कर सकते हैं अपने अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए और दोस्तों किसी भी न्यू सर्विस के लिए। राइट, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। राइट, तो देखिए दोस्तों क्या है, शैल बी रिज्यूम टू द कंटिजेंसी फंड, तो इस केस के अंदर दोस्तों पैसा जो है कंटिजेंसी फंड से निकलता रहेगा। ठीक है, एक बार और देखिए दोस्तों हिंदी में, बजट के अप्रोप्रिएशन एक्ट में जिन मदों पर एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है उन्हें रिज्यूम रखेंगे, यानी पैसा कंटिजेंसी फंड से लेते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों कब तक लेते रहेंगे या कब तक लेना है, जब तक लेते रहेंगे जब तक कि उनका अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो पास ना हो जाए। ठीक है, एज सून एज द अप्रोप्रिएशन एक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द सर्विसेज फॉर द होल ईयर इंक्लूडिंग द एक्सेस मेट फ्रॉम द एडवांसेस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड हैड बीन पास्ड। ठीक है, कि जैसे जैसे अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है जिस मदों पे खर्च हो रहा है, जिन सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, या तो पूरा साल का, ठीक है, इंक्लूडिंग द एक्सेस मेट फ्रॉम द एडवांसेस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, और दोस्तों जितना एडवांस हम लोगों ने ले लिया कंटिजेंसी फंड से वो सारा पैसा जब तक पास नहीं हो जाता तब तक आप कंटिजेंसी फंड से पैसा लेते रहेंगे। ठीक है, राइट, समझ में आई इतनी बात, हिंदी में देख ली दोस्तों, कंटिजेंसी फंड से पैसा तब तक लेते रहेंगे जब तक बाकी का अप्रोप्रिएशन एक्ट पास ना हो जाए, एक तो ओरिजिनल खर्चे का और दोस्तों जो एडवांस हमने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से लिया है। यस और नो, आगे चलिए। अगला देखिए दोस्तों, 8 का C जो है काफ़ी लंबा पैरा है और बिना फुल स्टॉप बिना कॉमा के पूरा पैरा दिया गया है। ठीक है, फिर भी दोस्तों अपने इसमें से अपने काम का जो है मीनिंग निकालने की अपने कोशिश करेंगे। राइट, 8 का C देखिए दोस्तों, इफ़ ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर, दोस्तों कोई भी इलेक्शन ईयर होता है, ठीक है, टू बजट्स आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये बात तो हमें पता है, कोई भी बजट का ईयर है, मान लो 2024 की बात कर लूँ मैं, या 2019 की बात कर लो, या 2014 की बात कर लो, या इससे पहले की। ठीक है, इस समय दोस्तों लोकसभा के चुनाव होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट किया जाता है। राइट, तो दोस्तों 2019 की मैं बात करूँ तो जब सरकारें जीत के आती हैं, ठीक है, तो दोस्तों मान लो 2019 के अंदर फॉर एग्जाम्पल जुलाई के अंदर चुनाव है, ठीक है,
तो दोस्तों हमें बजट पेश करना है 1 फरवरी को, और दोस्तों पूरे साल का जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे साल का बजट होता है। लेकिन दोस्तों वो सरकार रहेगी नहीं रहेगी किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी जो है वो वर्तमान जो गवर्नमेंट होती है उसकी होगी, राइट। तो वो सरकार रहेगी नहीं रहेगी इसका कुछ ठोस जो है हम बोल नहीं सकते, राइट। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, चुनावी वर्ष के अंदर 2 बजट पेश किए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों जो पहला बजट होता है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंतरिम बजट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब फरवरी जो है, मान लो जुलाई में वो क्या है चुनाव है, तो अप्रैल मई जून जुलाई इस 4 महीने का जो बजट है वो पेश किया जाता है, जिसको इंटरिम बजट बोलते हैं, ठीक है। जब चुनाव हो जाएंगे, सरकारें आ जाएगी, फिर क्या है दोस्तों वापस से बजट को जो है पास किया जाता है। तो उसी की कुछ बात कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। तो मगर अगर उस सीनेरियो में अगर वैसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उस केस में क्या होगा, ऑल एडवांसेज सैंक्शन फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जितने भी एडवांस जो है सैंक्शन किए गए हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कब कब किए गए हैं दोस्तों, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड बजट। उसमें दोस्तों 2 बजट हो गए, पहला जो चुनाव से पहले है, दूसरा दोस्तों चुनाव के बाद वाला, ठीक है, उस पीरियड के अंदर पहले और दूसरे चुनाव में, या ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड बजट, ठीक है, या दोस्तों बोल दिया कि चुनाव हुआ और उसके दूसरे सेकेंड बजट प्रेजेंटेशन होने के बीच में, राइट। द पासिंग ऑफ द कनेक्टेड अप्रोप्रिएशन एक्ट टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन ए सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द इन एन अप्रोप्रिएशन एक्ट एंड द एडवांसेज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों 2 बातें हैं इसके अंदर, देखिए कि एडवांस जो है सेंक्शन हो गया कंटीजेंसी फंड से इन 2 केस के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, मान लो सरकारें बन गई, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होगा, ठीक है, किसी भी सर्विस पे एक्सपेंडिचर करने के लिए, राइट। और दोस्तों वो क्या है, वो अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एंड द एडवांसेज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और दोस्तों प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर कुछ एडवांस जो सेंक्शन तो थे वो कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वो सारा दोस्तों क्या है, बींग एडवांसेज द एस्टिमेट फॉर विच अन इंक्लूडेड इन द सेकेंड बजट। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जो भी एडवांस रहा होगा, ठीक है, और दोस्तों कुछ सर्विसेज जो हैं वो इंक्लूड नहीं हुई अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर, वो सारी जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो सारा एडवांस बन जाएगा सेकंड बजट का, ठीक है, जो चुनाव होने के बाद का होगा। तो मोटा मोटी बात ये है दोस्तों, इसको आप ज़्यादा इस पर गौर मत दो। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि चुनावी जो वर्ष होगा उसके अंदर क्या है, 2 बजट पेश किए जाएंगे, ठीक है, 2 बजट पेश कर दिए, ठीक है, पहला और दूसरा। ये यहाँ पे चुनाव है, यहाँ पे फर्स्ट बजट है, यहाँ पे सेकंड बजट है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या बोल रहा है कि पहले जो अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर कुछ सर्विसेज इंक्लूड करी होगी, ठीक है, या नहीं करी होगी, जो भी है, ठीक है, या दोस्तों पहले का कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, तो उसको सारा दोस्तों किससे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बींग एडवांसेज द एस्टिमेट फॉर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड बजट, वो क्या सेकंड बजट के लिए एडवांस बन जाएगा, राइट। तो उस केस में दोस्तों सारा जो पैसा है एक बार कंटीजेंसी फंड से ले लेंगे, शैल बी रिज्यूम टू द कंटीजेंसी फंड एज सून एज द अप्रोप्रिएशन एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन अ सर्विस फॉर द होल ईयर हैज़ बीन पास्ड, राइट। तो मतलब वो सारा जो है पैसा ट्रांसफर करके आगे उसको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ कर लेंगे, राइट, जब तक दोस्तों उनका कनेक्टेड जो है अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो जाता। तो कुल मिला के दोस्तों सेक्शन नंबर 8 जो है इसके अंदर यही बोला गया है कि या तो अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करवा लो किसी भी सर्विसेज के लिए, ठीक है, या सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करवा लो किसी भी सर्विस के लिए। अगर दोस्तों ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो पैसा क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ले लो, ठीक है। अगर दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांस ले लिया, राइट, तो दोस्तों उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट प्लेस कर दो, राइट। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कंटीजेंसी फंड है, कंटीजेंसी फंड ले लिया तो इनको प्लेस कर दो, राइट, जब पार्लियामेंट सेशन में हो, राइट, यस और नो। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है सेक्शन नंबर 8 के C तक, ये इंपॉर्टेंट पर है। इसके बाद दोस्तों 9वां 10वां 11वां है वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, राइट, यस और नो। तो अब दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको MCQ करवाऊंगा, यस और नो। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपनों ने इसके अंदर क्या पढ़ा, जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल जो है वो सेक्शन 4 जो है हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट के उससे निकाले गए हैं, ठीक है, सेक्शन 4 से निकाले गए हैं, सेक्शन 4 से जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के ये रूल बनाए गए हैं, राइट। तो दोस्तों कौन कौन से रूल हैं, इनको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को जो है हमारा प्रेसिडेंट रखता है, राइट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे दोस्तों कौन रखेगा, सेक्रेटरी रखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, राइट। इसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि एप्लीकेशन जो देते हैं उसके अंदर कुछ नियम हैं, जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जो एप्लीकेशन देंगे उसके कुछ नियम हैं, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों एडिशनल एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसका पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे आपको, और दोस्तों किन किन हालातों में, सरकमस्टांसिस में,
कि भाई ये जो जिस मद पे खर्चा होगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, उसको बजट में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, राइट, इसका पोस्टपोनमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें पढ़ी। और दोस्तों इसके बाद क्या पढ़ा कि जो एडवांस लेंगे अपने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, वो क्या है, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के साथ साथ दोस्तों किसी भी न्यू सर्विस के लिए भी हम इसको सैंक्शन कर सकते हैं, जिसका भी बजट में चर्चा नहीं होगी, राइट। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो सैंक्शन होगी कॉपी की, उसको क्या ऑडिट ऑफिसर को देंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर 8 का पूरा भाग आज अपनों ने पढ़ लिया, राइट। तो अब देखिए दोस्तों इसके MCQ डिस्कस करते हैं अपने। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल्स आर मेड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ठीक है। तो दोस्तों ये सेक्शन नंबर 4 जो था उसके हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप ऑफिशियल गैजेट निकाल के इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, राइट, ये सुनो। दूसरा है दोस्तों, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया शैल बी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया दोस्तों सेक्रेटरी रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, किसके बिहाफ पे, प्रेजिडेंट के बिहाफ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा दोस्तों, इकोनॉमिक अफेयर्स। चौथा देखिए, एडवांसेस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग, कौन किस प्रकार का मीटिंग, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, राइट। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस, एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एक तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, एक दोस्तों जो न्यू सर्विस इंक्लूड होगी, नई सर्विस जो आएगी उस पर भी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है, राइट, यस और नो। आगे चलिए, अगला देखिए दोस्तों, एन ऑर्डर सैंक्शनिंग एन एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक हैज़ बीन इशूड बिफोर एक्शन इज टेकन, इट इज़ फाउंड दैट द अमाउंट सैंक्शन विल रिमेन होली और पार्टली अनयूटिलाइज, वट कैन बी डन। दोस्तों क्या होता है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की सैंक्शन आपसे आ जाती है, ठीक है, सैंक्शन आपके पास आ गई, लेकिन दोस्तों क्या है, इस पे एक्शन नहीं लिया, ठीक है, सैंक्शन पे पैसा नहीं निकला, राइट। उससे पहले आपको पता लग गया कि यार इसका तो कुछ हिस्सा या ये पूरा फंड जो है ये यूटिलाइज नहीं होगा, अनयूटिलाइज होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उस केस में मैंने बताया था आपको कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को क्या है, एप्लीकेशन देंगे कि भैया इसको मॉडिफाई कर दो या इसको रद्द कर दो, राइट। तो दोस्तों 3 नंबर, नथिंग कैन बी डन, ये गलत हो जाएगा। एडवांस इन फुल इज़ टू बी ड्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। एन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर कैंसिलिंग और मॉडिफाइंग द सैंक्शन एज द केस में भी, ठीक है। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों चैप्टर पढ़ा, MCQ पढ़े, अब अपने डिस्कस करेंगे इसके अमेंडमेंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा दोस्तों चैप्टर था, 5-7 मिनट और अपने को लगेंगे इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों इसके अमेंडमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, अमेंडमेंट्स टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल्स 1952, राइट। दोस्तों इसके अंदर जो मिनिस्ट्री का जो लेटर था वो जो दोस्तों GFR के नाम से था, GFR का रूल नंबर 67 का 4, ठीक है। तो दोस्तों GFR में जब जाओगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स में अंदर, तो उसके अंदर रूल नंबर 67 का दोस्तों चौथा जो है आपको उसके अंदर अपेंडिक्स 6 देखने को मिलेगा, ठीक है, अपेंडिक्स 6, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों ये सारे जो नियम हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रूल्स के 1952 के, वो दिए गए हैं, राइट, ये सुनो। तो उसके अंदर दोस्तों अमेंडमेंट है, तो देखिए कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट है। सेक्शन नंबर 3 दोस्तों क्या पढ़ा था अपने, फ्रॉम आउट ऑफ द बैलेंस इन द फंड सच अमाउंट्स एज मे बी अक्रीड अपॉन फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवे। तो दोस्तों मेनली रेलवे की बात थी कि भाई कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की रेलवे को जरूरत पड़े तो उनके फाइनेंशियल कमिश्नर को क्या है अपने उनके बिहाफ पे जो है पैसा ड्रॉ होता है, राइट। तो लेकिन दोस्तों इसको अमेंड करके क्या बोल दिया, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ द फंड कॉर्प्स। दोस्तों 40% अमाउंट जो है पूरे फंड की, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है मान लो 30,000 करोड़ है, तो उसका 40% निकालना आप जितना भी हो जाएगा, ठीक है, 12,000 करोड़ हो जाएगा मे बी। तो देख लीजिए दोस्तों जो 40% जो अमाउंट है, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ द फंड कॉर्पस शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर देखिए आप कोई रेलवे की बात नहीं कही गई है इसने, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि 40% जो हिस्सा है हमारे फंड कॉर्पस का, जितना भी कंटिजेंसी फंड है, उसको दोस्तों किस पे डिस्पोजल पे है, वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, ठीक है, फॉर मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। पिछले में दोस्तों क्या था, सारा जो पैसा था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को दे रखा था, ठीक है। अभी भी दोस्तों सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। फिर भी दोस्तों सेक्शन नंबर 3 के अंदर 40% का बोल दिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है, राइट। एंड बियॉन्ड दिस लिमिट ऑल फर्दर कंटिजेंसी फंड रिलीजेज शैल बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर
आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल रहे हो दोस्तों, अगर इस लिमिट से भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या है वो फंड जो है दोस्तों रिलीज किसकी सेंक्शन पे होगा, किसकी अप्रूवल पे होगा, जो इकोनॉमिक अफेयर का सेक्रेटरी है, राइट। 40% एक्सपेंडिचर वाला, और दोस्तों बाकी इससे लिमिट ज़्यादा क्रॉस करनी है तो आपको इकोनॉमिक अफेयर्स वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक लाइन और जोड़ दी, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों चीज़ों को गोल गोल घुमा दिया इसने। 40% निकालना है तो एक्सपेंडिचर वाले से ले लो, इससे ज़्यादा चाहिए तो इकोनॉमिक अफेयर्स वाले से ले लो, लेकिन सेंक्शन किसको चाहिएगी आपकी, एक्सपेंडिचर वाले की, राइट। मतलब इसको छूट दे भी दी और छूट नहीं भी दी, राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर 5 के अंदर अमेंडमेंट जो है, पिछला क्या पढ़ा था, एप्लीकेशंस फॉर, ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, जो अमेंडमेंट है वो ग्रीन से है। एप्लीकेशंस फॉर एडवांसेस रिक्वायर्ड बाय रेलवेज शैल बी मेड टू द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे। अब दोस्तों रेलवे को जरूरत है अगर एडवांस की, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन किसको देंगे, फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे को, राइट। तो लेकिन इसको अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, मोस्टली दोस्तों रेलवे वाला पार्ट जो था उसको हटा दिया, क्योंकि रेल बजट और दोस्तों आम बजट जो है वर्तमान के अंदर मर्ज कर दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों मर्ज करने के बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों CGA नाम का पद जो है, सारी मिनिस्ट्री डिमांड फॉर ग्रांट वगैरह सारा जो पैसा है, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारा CGA करता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है। इसलिए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत पावरफुल हो गया, राइट। तो इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई, जैसे सेक्शन नंबर 3 में अपनों ने पढ़ा कि 40% उसको दे दिया, इसे बियॉन्ड भी करना इकोनॉमिक अफेयर करेगा तो एक्सपेंडिचर की सेंक्शन लेगा, ठीक है। तो वही बातें कुछ इसके अंदर दी गई है, एप्लीकेशन फॉर एडवांस रिक्वायर्ड शैल बी मेड टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें भी क्या दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को देंगे। एंड एप्लीकेशंस फॉर एडवांसेस ऑफ न्यू लोन्स, अगर दोस्तों न्यू लोन चाहिए आपको उसके लिए एडवांस चाहिए, शैल बी मेड टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी कौन सा, इकोनॉमिक अफेयर्स वाले को लोन की देंगे, राइट। और दोस्तों आपको एडवांस चाहिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो उसकी एप्लीकेशन जो है एक्सपेंडिचर के डिपार्टमेंट को देंगे, राइट। और दोस्तों सेक्शन नंबर 7 में देखिए, फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे वाला कॉलम हटा लिया गया। सेक्शन नंबर 7 में क्या था दोस्तों, जो ऑर्डर की सेंक्शन की कॉपी जो है उसको क्या है हम भेजते कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे, ठीक है, किसको भेजते थे, ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर को कंसर्न को, ठीक है। तो वो लाइन हटा ली दोस्तों, राइट। इसके अंदर दोस्तों इसकी लास्ट जो लाइन थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ द रेलवे, वो उसमें से भी फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे को हटा लिया गया, ठीक है। और दोस्तों सेक्शन 8 के अंदर मैंने बता ही दिया आपको कि फर्स्ट सेशन वाली लाइन हटा दी, कि भाई पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में रखेंगे, राइट, तो वो लाइन उसके अंदर हटा ली, राइट। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 3 और 5 में जो अमेंडमेंट था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, इनसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि 40% होगा तो एक्सपेंडिचर वाले से करेंगे, बियॉन्ड दिस लिमिट जाएगा तो इकोनॉमिक अफेयर करेगा, लेकिन सेंक्शन चाहिए एक्सपेंडिचर की, राइट। सेक्शन नंबर 5 में दोस्तों पढ़ा, अगर एडवांस चाहिए तो एक्सपेंडिचर के पास जाओ, अगर नए लोन के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाओ, राइट। 7 और 8 में दोस्तों फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे वाले हैं वो उसको पूरा हटा दो, राइट। तो ये दोस्तों चैप्टर जो है एक बार के लिए कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट जब अपने पढ़ेंगे तो उसके साथ रिवाइज़ करवा दूंगा, या बाद में इसको एक बार एक पेज पे लिख के इसको पूरा रिवाइज़ करेंगे, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।